गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज हम एल्कोहल फिनोलिथर का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। मैं इससे पहले बता दूं, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनोलिथर। और इससे पहले इस चैप्टर का है ना प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फिनोल एंड ईथर में दो वीडियो हमने अपलोड कर चुका था। वैसे स्टूडेंट जो दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का दो वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद ही ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। और वैसे बच्चे जो देख चुके हैं उसके लिए आज का क्लास है, ये थर्ड वीडियो है और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का तीसरा वीडियो है। और हम लोग अल्कोहल तैयार करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करने के बाद, ठीक है। तो इससे पहले जो बच्चे नहीं देखे हैं उससे पहले आप देख लेंगे, और जो बच्चे देख लिए हैं उसके लिए एक वीडियो है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने सारे बच्चे पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, इस टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, चाहे ऑक्सीडेशन की बात हो या तो रिडक्शन की बात हो, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो या प्रोड्यूसिंग एजेंट की बात हो, है ना। तो वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं आज सारा झंझट ख़त्म कर देना चाहते हैं कि रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का कौन कौन सा ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन करके अल्कोहल को तैयार करेगा। तो सारा झंझट ही हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी टाइप का ये पोर्शन है, बात रह जाता है मैकेनिज्म, तो कभी क्लास में इसका मैकेनिज्म भी डील करेंगे। बस रहते मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में दे देना चाहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन से हम लोग अल्कोहल को कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, टर्म है ना, जो इस तरह से कंपाउंड करते हैं, कौन सा एजेंट है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। तो कार्बोनिल कंपाउंड कहते किसको है, तो सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ, जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए रहता है, इस टाइप के कंपाउंड को ही हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड वो, एक साइड अल्काइल ग्रुप दूसरा साइड हाइड्रोजन, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। एक साइड हाइड्रोजन है दूसरे साइड अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। यही हो सकता है यहाँ आर हो, यहाँ सी हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच के जगह पर ओ एच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ सी डबल बॉन्ड हो ना, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ बनाया ना, इसको भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, लेकिन सिंपल इसका नाम है आर सी वो एच, जिसको कार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोजिलिक एसिड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कीटोन की बात करें, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कीटोन है, कीटोन भी कार्बोनिक है, कार्बोजिलिक एसिड भी कार्बोनिल है, एल्डिहाइड भी कार्बोनिल है। सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर ग्रुप जुड़ा रहे तो इस टाइप के कंपाउंड का नाम कार्बोनिल कंपाउंड होता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, आपको समझ में आ जाना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोनिल कर सकते हैं, कीटोन ग्रुप को भी कार्बोनिल है ना कार्बोनिल कंपाउंड कर सकते हैं, कार्बोजिलिक एसिड को भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कह सकते हैं। सबसे पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, हम अभी जो रिड्यूसिंग एजेंट ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिडक्शन करके हम लोग एल्कोहल तैयार करेंगे, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करके हम लोग एल्कोहल तैयार करेंगे, इस कार्बोजिलिक एसिड का रिडक्शन करके हम लोग एल्कोहल तैयार करेंगे, और ये कीटोन का रिडक्शन करके हम लोग एल्कोहल तैयार करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए इसका नाम पड़ा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके अल्कोहल तैयार करना। तो डियर, कौन कौन सा ऐसे कैटलिस्ट हैं या रिएजेंट हैं जिसका यूज़ करके हम ये सारा कार्बोनिल कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो है आपको ध्यान रखना, नोट में पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी आपको नज़र आ जाए निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेडियम, ठीक है, निकेल प्लेटिनम प्लेडियम प्लस इसके बाद हाइड्रोजन, ये कैटलिस्ट कहीं भी नज़र आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी अगर आपको नज़र आ जाए, क्या नज़र आ जाए, तो NaBH4
सोडियम बोरोन हाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। दूसरा, तीसरा कैटलिस्ट कभी भी अगर कहीं पे नज़र आ जाए क्या भाई, तो LiAlH4 है ना, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड कहीं भी नज़र आ जाए, C2H5OH है ना, OH और Na सोडियम मेटल के साथ इथाइल अल्कोहल, कभी भी ये अगर आपका नज़र आ जाए, ठीक है, अभी चार ही बता रहे हैं, बाकी भाई बहुत सारे हैं लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होंगे यही निकेल प्लेटिनम प्लेडियम है ना, H2+H2 NaBH4 लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड और C2H5OHNa। सिंपल ये कहीं भी नज़र आ जाए तो वो क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को, सी डबल बॉन्ड ओ ये कार्बोनिल कंपाउंड था, अगर इसके साथ कहीं पे भी इस सब का यूज़ करें तो क्या करेगा है ना, ये सब का यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और अल्कोहल में क्या करेगा, एक बॉन्ड ये तोड़ेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। ये वाला ग्रुप रहेगा, जो ग्रुप यहाँ वो ग्रुप यहाँ रहेगा, जो ग्रुप यहाँ वो ग्रुप यहाँ रहेगा, और एक हाइड्रोजन को और ऐड कर देगा। सिंपल सी बात, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और वो OH में कन्वर्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। सिंपल सी बात, इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो RC OO और यहाँ अगर H है और इसके साथ ये कोई भी कंपाउंड अगर यूज़ करेंगे तो क्या कर देगा, R है ना, C है, यहाँ OH कन्वर्ट कर देगा और यहाँ एक H है और एक और H कर देगा, तो CH और H क्या बन जाएगा, C पर H2 CH2 और क्या कन्वर्ट हो गया, OH में। RC तो था, वो किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में कन्वर्ट कर दिया, और एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और ऐड कर देगा CH2 है ना, तो RCH2OH, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर दिए CH3 सी डबल बॉन्ड वो और यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा भाई इसी कंपाउंड को, तो किस तरह से कन्वर्ट कर देगा, यही कंपाउंड कोई भी यूज़ करें, निकेल प्लेटिनम प्लेडियम है ना, इसका यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 का CH3 तो रहेगा, ठीक है, और यहाँ सी H और H जुड़कर क्या बन जाएगा, CH2, और ये डबल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और OH में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इस टाइप का कन्वर्ट कर देगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी जैसे मान लेते CH3 दे दे, यहाँ C डबल बॉन्ड O दे दे और यहाँ CH3, जिसको हम लोग कीटोन कहते हैं, और कीटोन का रिडक्शन करवा दो किसके साथ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, सिंपल बाय द ये रहे, तो क्या बन जाएगा, CH3 तो रहेगा, यहाँ C तो रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में OH में कन्वर्ट कर देगा और ये CH3 रहेगा, और अभी बताएं तो एक हाइड्रोजन जोड़ देगा है ना, कार्बन चार वैलेंसी होना चाहिए, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बाय द वे इस टाइप का कंपाउंड दिया रहेगा, यहाँ कीटोन दिया रहेगा इस टाइप का, और इसका हम लोग रिडक्शन करवा दें किसके साथ, तो NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सेम टू सेम ये साइक्लोहेक्साइल कंपाउंड तो रहेगा आपका भाई है ना, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा। कहने का मतलब ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, इसीलिए ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले निकेल प्लेटिनम प्लेडियम हाइड्रोजन कहीं भी नजर रहे, NaBH4 कहीं भी नजर आए, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड C2H5OHNa, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में सिंपल कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक NCERT का क्वेश्चन आप देख लेंगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका बुक में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, NCERT देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, प्लस आपका NCERT का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है NCERT का, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं उसका आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले आपको मार्कोनी का रूल बताया था कि अगर अल्कीन दिया रहे और उसमें H2O है ना हाइड्रोलाइसिस करवा दें और H+ आयन कर दें, तो हम बताए थे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इसी के बारे में चर्चा किए थे, तो ये H2O टूट जाता किस पर, H पर प्लस और OH पर माइनस, ये नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर हाइड्रोजन एटम कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और क्या बन जाएगा, तो CH3 यहाँ CH यहाँ OH और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH3, ये तो आपको पता है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इसी के बारे में चर्चा किए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, तो साइक्लोहेक्साइल टाइप का कंपाउंड दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O दिया हुआ कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 सी डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनिल, यहाँ ईस्टर बन गया, सी डबल बॉन्ड वो ईस्टर है, और यह कैटलिस्ट क्या दिया हुआ, NaBH4 जो अभी हम यूज़ किए हुए,
तो ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाला रिएक्शन तो रहेगा। देखिए तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है कुछ नहीं, यहाँ अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, सी एच टू तो रहेगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ये रहेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, टोटल ईस्टर है, सी वो सी एच थ्री बनेगा, है ना, वो सी एच थ्री, ये ईस्टर ग्रुप था, एक जगह रिडक्शन करके कार्बोनिल कंपाउंड तैयार करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए तो सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच फोर, यहाँ भी कैटलिस्ट क्या दिया हुआ है, एन ए बी एच फोर, एन ए बी एच फोर, तो क्या बन जाएगा भाई, एन ए बी एच फोर में, तो ये सी एच ओ को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, यही सी एच ओ को हम लोग लिख सकते हैं, किस टाइप का लिख सकते हैं, यही सी एच ओ को हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, सी डबल बॉन्ड वो और एच, है ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं यही है। तो इसको अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको रिड्यूस कर देगा और क्या बन जाएगा, सी एच टू एच बन जाएगा यहाँ पे, और क्या प्रोडक्ट बना लेगा यहाँ पे, तो सी एच थ्री सी एच टू, है ना, सी एच यहाँ पे सी एच थ्री, और ये एल्डिहाइड को रिडक्शन करके क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ सी एच था एक हाइड्रोजन जुड़ करके सी एच टू हो जाएगा, और वो इसमें कन्वर्ट कर देगा ओ एच में, है ना, वो ओ एच में कन्वर्ट कर देगा, सी एच तो था एक हाइड्रोजन जोड़ करके सी एच टू बन जाएगा, बस यही तो रिएक्शन है। कितना सिंपल रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, हमने क्या बताया कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी रहे उसको निकेल प्लेटिनम प्लेडियम एच टू के साथ, या एन ए बी एच फोर के साथ, या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, या सी टू एच फाइव ओ एच एन ए के साथ रहे, तो कार्बोनिल कंपाउंड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, अल्कोहल में। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में तैयार हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड था अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड था अल्कोहल में तैयार हो गया, ठीक है। चलिए, ये था फर्स्ट मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एक टर्म आता है जिसका नाम होता है सेकेंड रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक टर्म आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या आएगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ जो यूज करेंगे वो जिंक अमलगम, जेड एन एच जी को हम लोग कहते हैं जिंक अमलगम एस सी एल के प्रेजेंस में, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जिंक अमलगम एस सी एल के प्रेजेंस में। एक और टर्म आएगा जिसको कहते हैं उल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, उल्फ किसनर, के आई एस एच एन ई आर, किसनर रिडक्शन या रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हाइड्राजीन एन एच टू, एन एच टू को हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन, एन एच टू हाइड्राजीन कहते हैं, है ना, एन एच टू को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं, और के ओ एच भी नज़र आ जाएगा और ग्लाइकोल नज़र आएगा, ये तीनों के प्रेजेंस में, ठीक है। सुन लीजिए, देखिए उल्फ किसनर रिडक्शन, हाइड्राजीन के ओ एच ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, एन एच टू के ओ एच ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन एच टू के एन, और एन को लिख सकते हैं एन टू, एच टू और एच टू को लिख सकते हैं एच फोर, एन टू एच फोर भी नज़र आ जाएगा, है ना, के ओ एच प्लस क्या रहेगा, ग्लाइकोल रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसको हम लोग कहते हैं उल्फ किसनर रिडक्शन, इससे पहले बताएं क्लीमेंसन रिडक्शन। एक और टर्म आता है इसी में, कभी भी नज़र आ जाए क्या, तो एच आई, है ना, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस एच आई, ये तीनों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि झंझट खत्म कर रहे हैं आपका पूरा रिडक्शन का, तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एच आई रेड फास्फोरस कहीं भी नज़र आ जाए, हाइड्रोजीन के ओ एच ग्लाइकोल, और क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्लीमेंसन रिडक्शन कौन सा होता है, तो जिंक अमलगम एस सी एल के प्रेजेंस में, और उल्फ किसनर रिडक्शन में हाइड्रोजीन के ओ एच ग्लाइकोल, ठीक है, ये से नज़र आ जाएगा, या एच आई रेड फास्फोरस नज़र आ जाए। तो ये सब ध्यान रखना कि तीनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका, है ना, एल्डिहाइड रहे या कार्बोनिल कंपाउंड रहे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते थे ना, तो रिडक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट होता था, अल्कोहल में। और अल्कोहल को फिर से एक बार अगर रिडक्शन करेंगे ना, तो वो बनेगा अल्केन में। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार रिडक्शन करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल को फिर से रिडक्शन करेंगे तो अल्केन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड को अगर डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट करना रहे, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। और यही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तीनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किसनर रिडक्शन, और, है ना, एच आई रेड फास्फोरस,
किसी का भी अगर यूज़ करेंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप दिया रहे इसके साथ कोई भी यूज कर दे जैसे HIE रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या होगा, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन को भी यहाँ से हटा देगा, है ना, अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या बनेगा भाई, एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, रिकवर हाइड्रोजन एक और सिंगल बॉन्ड किस बनेगा, मतलब CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कार्बन रहेगा, कार्बन रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, ठीक है, इस टाइप का ध्यान रखेंगे। मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्ट हम लोग सिंगल बॉन्ड में अल्केन में कन्वर्ट करना रहे तो हम लोग इस टाइप के रिडक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड दिया हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, इसके साथ अगर हम लोग यूज़ करते हैं रेड फास्फोरस HI तो ये अल्कोहल में नहीं अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीजन हटाएगा दो हाइड्रोजन जोड़ देगा, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो हाइड्रोजन जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन पहले से, टोटल तीन हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCH3, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3 जिसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, प्रोपेनॉन, एसीटोन, कीटोन इसी का नाम है, इसका अगर हम भी यूज़ करते हैं किसका भाई, तो किसका, NH2 अभी बताए थे, KOH है ना, प्लस किसका भाई, तो ग्लाइकोल, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हटा देगा और दो हाइड्रोजन जोड़ देगा, क्या बन जाएगा, CH3, ये हटेगा CH2 जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो हाइड्रोजन जुड़ कर क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3, मतलब सिंपल एसीटोन से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन, मतलब प्रोपेन, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन नज़र आ जाए इस टाइप का, साइक्लोहेक्सेनॉन दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन बोल देगा क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज़ कर दिया, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, ZnHg प्लस क्या, HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्केन में, सिंपल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इतना दिमाग में रखना है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक की अगर बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये सब क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है जो आज आप क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है और क्वेश्चन दो तरीका से बोल रहा है, आपका NaBH4 के साथ क्या बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेड फास्फोरस और HI का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा बताए थे, इससे पहले अल्कोहल कन्वर्ट होगा लेकिन ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल का मतलब साइक्लोहेक्सेन रहेगा, यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे हम बताने की कोशिश किए क्या बन जाएगा, तो सिंपल अल्केन बन जाएगा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ अभी हम आपको बताने की कोशिश किया, क्या बताने की कोशिश किया भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, NaBH4, लिथियम, अल्मोनियम हाइड्राइड, C2H5OHNA कहीं भी रहे तो कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर डायरेक्ट अल्केन में लाना रहे तो हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम, HCl का यूज़, उल्फ किस्नर रिडक्शन, हाइड्रोजीन, KOH, ग्लाइकोल का यूज़ करेंगे, है ना, या फिर HI रेड फास्फोरस का यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के बाद एक और टॉपिक हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेन प्रॉब्लम पर आ जाएंगे, फिर हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए देखिए ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी भी अल्कोहल का, ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर करेंगे ना, ऑक्सीडेशन ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जिस तरह भी बताएं रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, रिडक्शन करता था, हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा, बहुत सारे क्लास उसमें भी लेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। तो सिंपल अभी ये ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन करेंगे ये कौन करेगा, सिंपल आप ध्यान रखिए अभी PCC या PDC जो वन टाइम ऑक्सीडेशन करता है, PCC या PDC, तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, या सिंपल इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, और ये अगर इसका फिर से रिडक्शन कर दें हम लोग, रिडक्शन, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में।
फिर से सुनिए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, कौन करेंगे तभी ध्यान रखेंगे, पीसीसी पीडीसी का क्लास लेंगे प्रोटीयर का, पीसीसी पीडीसी तो एक किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड है ना या कीटोन, अब फिर से इसका अगर रिडक्शन कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये अल्कोहल को अगर कन्वर्ट करेंगे तो एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है और कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जब चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन पर उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना कौन सा अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, कौन सा अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर एक डिग्री अल्कोहल रहे तो एक डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, दो डिग्री अल्कोहल रहे इसको अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, एक डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, दो डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन में कन्वर्ट होगा, तीन डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तीन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। हम जिसमें पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजिलिक एसिड, इसके पीछे वाला क्लास में है ना चैप्टर में, वहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इसके पहले है ना, इसके बाद वाले क्लास में, इसके बाद वाला लेसन जब पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजिलिक एसिड वो हम चर्चा करेंगे क्यों हो रहा है विथ मैग्नीशियम के साथ। सिंपल ध्यान रखना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है, पीसीसी पीडीसी कर सकता है इसको, ठीक है, लेकिन फिर से रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ सवाल उठता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोन में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन कौन सा अल्कोहल, तो एक डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, दो डिग्री अल्कोहल कीटोन में, तीन डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या भाई, तो CH3 है ना, CH2OH कितना डिग्री अल्कोहल है, तो एक डिग्री अल्कोहल है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, किसके परिवेश में करेंगे भाई, तो पीसीसी या पीडीसी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक डिग्री एल्डिहाइड में, तो एक डिग्री दो कार्बन के अल्कोहल इथेनॉल है तो ये ऑक्सीडेशन होकर हो जाएगा इथेनल, तो क्या बन जाएगा दो डिग्री का अल्कोहल CH3 है ना, और यहाँ बन जाएगा CHO, ये बनेगा, इसका नाम इथेनॉल, दो कार्बन का अल्कोहल तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल था किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, तो CH3CH2OH एक डिग्री अल्कोहल था तो एक डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, तो ये था इथेनॉल, ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, तो इथेनल, इथेनल, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं CH3OH इसको कहते हैं मिथेनॉल, और मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देंगे मिथेनल बन जाएगा HCHO, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं CH2 है ना, यहाँ OH का यूज़ करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं PCC या PDC के बने इसमें प्रोपेनॉल, यहाँ बन जाएगा प्रोपेनल CH3CH2CHO, बात समझ आ रही ना, CH3CH2CH2OH को हम लिख सकते हैं CHO, मतलब प्रोपेनल, ठीक है। लेकिन यही अगर कीटोन रहे तो कीटोन का मतलब क्या हो गया, CH3CHOH CH3, देखो तो ये क्या है, दो डिग्री अल्कोहल है, इसको कहते हैं 1, 2, 3 तीन कार्बन के लिए प्रोप एन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल है, मतलब दो डिग्री अल्कोहल है, तो दो डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, बात समझ रही ना, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो इसको कीटोन बनाओ CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाएगा CH3, एन कीटोन भाई, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप ले आएंगे, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा ना कीटोन बन जाएगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, इसका कीटोन बना। इसी टाइप का अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का CH3 है ना, CH2 CH2 CH, यहाँ OH और यहाँ CH3, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, बस मैं ना, तो ये कीटोन बन जाएगा। अभी हम बताए थे कि अगर कीटोन बन जाए इसका रिडक्शन दो तरीक़ा से कर सकते हैं, है ना, तो रेड फास्फोरस का यूज़ करेंगे HI के साथ, तो क्या बनेगा, यही कीटोन को अगर हम लोग यूज़ करें लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इतना अगर हम लोग समझ गए तो अब हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बन पाता है या नहीं।
चलिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको इथेनल, है ना, इथेनल से आपको बनाना इथेन, क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई? इथेनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इससे बनाना आपको इथेन। इथेन का मतलब क्या होता है? CH3 और CH3, क्या बन जाएगा? बन जाएगा भाई। डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एल्केन में। कौन करेगा? तो जिंक अमलगम करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लीमेंसन रिएक्शन कर देगा। यही क्वेश्चन इथेनल नहीं दे करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाए, CH3 CH2 OH, और इथेनॉल से कन्वर्ट कर क्वेश्चन बोलेगा इथेन कन्वर्ट करो, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा। कैसे बनेगा? अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडेशन कर दो तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन कर दो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन करेगा ऑक्सीडेशन? PCC और PDC, तो ये क्या करेगा भाई? एल्डिहाइड है ना, अभी बताए थे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड में CH3CHO बन जाएगा। और जब एल्डिहाइड बन गया, देखो तो इथेनल बन गया, अब इथेनल को एक बार रिडक्शन कर दो, किसके साथ? चाहे रेड फास्फोरस HI के साथ करो, या जिंक अमलगम के साथ करो, उल्किस्नर के साथ करो, बन जाएगा। असमारी ना, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? ईजिली और आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना के तुरंत दिखाएंगे। इसे मान लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? तो CH3 है ना, CH2 CH2 CH3, देखो तो बना दे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं NaBH4 का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? और इसी के साथ हम लोग यूज़ कर देते किसका भाई? तो N2H4 के साथ और KOH के साथ और ग्लाइकोल के साथ, तो क्या बनेगा? ये बना के दिखाएंगे, ठीक है? इसको कॉपी कर लेंगे, पहले कॉपी कीजिए इसको, ठीक है? इसको बना कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखो तो इसको बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन जा रहा है? CH3। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ जिंक अमलगम और HCl, क्या बन जाएगा? ये बनेगा, बन जाएगा भाई। कैसे बन जाएगा? जिंक अमलगम HCl रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH3। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बोल देगा बेंजाल्डिहाइड से टॉल्विन बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंजाल्डिहाइड से टॉल्विन बनाना है, बेंजाल्डिहाइड से टॉल्विन बनाना है। कैसे बनेगा? बना के दिखाओ। बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन है, इसी पर एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको टॉल्विन में कन्वर्ट करना है, तो नहीं बनेगा। एल्डिहाइड को ख़त्म करना है किस में? CH3 में लाना है, क्या टॉल्विन नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? तो एल्डिहाइड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? अल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी बात, किसी का भी यूज़ कर दो, जिंक अमलगम HCl के साथ, या उल्किस्नर रिडक्शन का यूज़ करो, या रेड फास्फोरस के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन आज का, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, जो आज आप लोग क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, आपका NCERT में दिया हुआ, देखिए NCERT क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तो NCERT क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन बी कैरीड आउट, आप निम्नलिखित कन्वर्जन को कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला कन्वर्जन दिया हुआ प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ये बहुत बार रिप्लेक कर दिया गया है। प्रोपीन का फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्वेश्चन बोल रहा है प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनाना बोल रहा है? CH3 CH, यहाँ OH और यहाँ CH3, कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गया और वो एच ग्रुप आ गया, तो कुछ नहीं करो, इसमें आपको बताए थे H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, H+ आयन, तो H2O टूटेगा, H पर प्लस और OH पर माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये पहला चैप्टर में बता दिए हैं, देख लेंगे आप। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बेंजीन है, यहाँ CH2Cl है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। अल्कोहल लाने के लिए आपको बताए थे एक्वस KOH का यूज़ करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का है, ये टूटेगा K पर प्लस OH पर माइनस, CH2 पर प्लस Cl पर माइनस, यहाँ K है ना, KCl बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। NCERT क्वेश्चन है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे,
इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल, थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल बनाने बोल रहा है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला CH3CH2 है ना, MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको बनाना है प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2CH2OH, ठीक है, याद करो। इसको हम लोग कहते हैं RMGX को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं, और यहाँ अल्कोहल है। तो इससे पहले दूसरा वीडियो में, पहला वीडियो में आपको, फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए थे कि ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे ताकि अल्कोहल बन जाए। तो आपको बताए थे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ यूज़ करेंगे हम लोग किसका, चाहे एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का यूज़ करेंगे तो अल्कोहल बनता है। याद कीजिए यहाँ अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का है और यहाँ अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का है, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर 2 कार्बन का है तो एक कार्बन और जोड़ना होगा, और एक और जोड़ना होगा वो एल्डिहाइड का होना चाहिए, क्योंकि बताए थे ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ जुड़ता है तो एल्कोहल बनता है। तो एक ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ, आपको एल्डिहाइड लाना है तब ना एल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड कितना कार्बन लाना होगा, तो यहाँ 3 कार्बन प्रोडक्ट है, यहाँ 2 कार्बन हम लोग इसमें दिया है, 1 कार्बन और लाना होगा, तो कैसे बनेगा बोर्ड पर ध्यान देंगे। एच सी डबल बॉन्ड वो और H, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाए थे याद करो, हम बताए थे पहला CH3CH2 है ना MgCl पहला कंडीशन, और दूसरा आपको हाइड्रोलाइसिस करवाए थे। पीछे वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तब देख लेंगे। ये वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, OH में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ एच और एच मिलकर के क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा, बताए थे, ठीक है। और यहाँ ये वाला ग्रुप आकर के ऐड हो जाता था, ठीक है, तो बन जाता था क्या, बन जाएगा CH2 और CH3। देखो बन गया 1 2 3 प्रोपेन और ऑल, प्रोपेन और ऑल। तो क्वेश्चन बोला था इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल बनाना था, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल बन गया। किसके साथ रिएक्शन किए, तो मिथेनल के साथ रिएक्शन किए। ये कैसे बना रहे थे इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम फर्स्ट वीडियो में दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl है ना प्रोपेन 2-ol कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol। देखिए भाई दोनों का स्ट्रक्चर छापो, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, CH3Mg दिया, इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बोला 2-methyl propane 2-ol, तो 2-methyl propane 2-ol है ना, देखो तो 1 2 2 पर मिथाइल है, 3 कार्बन प्रोपेन 2-ol, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 1 मिथाइल दिया हुआ है, 1 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ अल्काइल कितना है 1 2 3 4, सोचने का तरीका ये, यहाँ 4 और यहाँ 3 है, 1 है, मतलब जरूर 3 कार्बन का और होना चाहिए। यहाँ अल्कोहल बनाना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से अल्कोहल बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से अल्कोहल बनाने के लिए आपको बताए थे हम, क्या बताए थे भाई, चाहे एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे या कीटोन का यूज़ करेंगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री की है ना के लिए कीटोन का यूज़ करना, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन यूज़ करना होगा, और कितना कार्बन का, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का यूज़ करेंगे, और यहाँ 1 कार्बन दिया तब ना 4 कार्बन बनेगा, ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो 3 कार्बन का यूज़ करो, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो कीटोन बनाना होगा। 3 कार्बन का हम लोग ले लिए, और यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज़ करेंगे किसका, है ना, दो तरीका, पहला हम लोग यूज़ करेंगे CH3MgBr, और दूसरा तरीका यूज़ करेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 का CH3 रहेगा, C रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 रहेगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा कौन, जो हम लोग अल्काइल ग्रुप लिए हैं, क्या बन जाएगा CH3, देखो तो बन गया 2 पर मिथाइल और प्रोपेन 2-ol। तो बहुत ज़्यादा ईजी है केमिस्ट्री, बहुत ईजी है केमिस्ट्री, पूरा आसान है, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो वैसे बच्चे जो फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देख पाए, सबसे पहले वो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। और जो बच्चे सेकेंड वीडियो तक देख लिए, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है।
इसी के बाद हम बताएंगे अगला वीडियो, मज़ा आ जाएगा डियर। और एक क्लास फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ले लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सब झंझट खत्म हो जाएगा। रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके आसान है, केमिस्ट्री वैसे भी आसान है। चलिए डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब हम हैं तो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।